ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स। आप सबसे पहले इनके फंक्शन को अगर आप समझ लेंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग में होने वाली प्रॉब्लम को आप प्रॉपर समझ सकेंगे। तो ये है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स। ये वाली मोटी शाफ्ट, इनके घूमने पर स्पिनर का ड्रम मूव होता है। तो इस मोटी शाफ्ट में ये वॉशिंग मशीन की ड्रम हब कुछ इस तरह से इसमें फिट होते हैं, जिनको आप देखेंगे कि अब यहाँ पर पल्सेटर फिट होंगे वॉश करने वाले। तो अब हम इस वॉश करने वाले पल्सेटर को यहाँ पर इस तरह से पल्सेटर को यहाँ पर फिट कर देंगे। अब इनके घूमने पर कपड़े वॉश होंगे और ये वाला ब्लैक हब पार्ट जो कास्ट आयरन से बने होते हैं, इनमें वॉशिंग मशीन के ड्रम फिट होते हैं। तो सीखने की कोशिश करना कि हम इस पुल्ली को जब घुमाते हैं तो पल्सेटर घूमते हैं, यानी कि वॉश करने वाले पार्ट घूमते हैं, लेकिन स्पिनिंग साइकिल पर इनको और पल्सेटर दोनों पार्ट को साथ में घूमना चाहिए। तो उसके लिए गियर बॉक्स के अंदर ये वाले पार्ट को ड्रेन मोटर असेंबली जब इनको खींच लेती है कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इनके गियर्स फ्री हो जाते हैं। तो इनके गियर एक्सचेंजर खींचे रहने पर इनको जब प्लास्टिक ब्रेकर फ्री कर देते हैं तो इनके अंदर वाला स्प्रिंग वॉशिंग वाले शाफ्ट को और स्पिनिंग वाले शाफ्ट को दोनों को आपस में जकड़ लेता है। फिर जब हम इस पुल्ली को घुमाते हैं, या कि वॉशिंग मशीन की मेन मोटर जब इनको इस तरह से घुमाती है, जिससे वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स का ये मेटलिक हब पार्ट इनके पुल्ली के रोटेट होने से गियर बॉक्स का हब और पल्सेटर दोनों साथ में घूमते हैं, तो स्पिनिंग होने लगते हैं। और स्पिनिंग में ऐसे ही काम होने चाहिए कि पल्सेटर और ड्रम पार्ट को घुमाने वाले हब पार्ट भी साथ में घूमने चाहिए। तो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े स्पिनिंग होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स फंक्शन करता है। और अगर आप वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स में कुछ रिपेयरेबल फॉल्ट से अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स के क्लच स्प्रिंग में होने वाली प्रॉब्लम से वॉशिंग मशीन के स्पिनिंग में सेकिंग का बढ़ जाना, मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होना, या कि इनके क्लच स्प्रिंग जब टूट जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलने पे आवाज़ करने लगती है, तो इनको किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, इन सभी फॉल्ट से क्वालिफाई होने के लिए आप हमारे इस रिपेयर 24H YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घर के सारे बड़े अप्लायंसेस आप इसी पोर्टल पे सीखेंगे। और अगर आप वीडियो देखने वालों में से होंगे और आप अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर भी बुला सकते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान देना कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना कि क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटी में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।